हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं वेब करो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, अगर आप बिगनर है, ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं या फिर खुद की वेबसाइट बना करके पैसा कमाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं न्यू ब्लॉग वेबसाइट से $100 बनाने में कितना समय लगता है, तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं आपको विद प्रूफ के साथ शेयर करूंगा $100 बनाने में कितना समय लगा। मेरे पास एक क्लाइंट का एडसेंस अकाउंट ओपन है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी वेबसाइट मेरे पास है, मैनेज कर रहा हूँ, पूरा सेटअप किया हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए एडसेंस अकाउंट रीलोड कर रहे हैं। अभी देखिए लास्ट पेमेंट यहाँ पर 00 दिखाई दे रहा है, बैलेंस में $72 है और इस मंथ का आप देख सकते हो $63 है। तो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या पेज व्यू आ रहे हैं, कैसे क्लिक आ रहे हैं, कौन सी वेबसाइट है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। बट उससे पहले आपको पता होगा यहाँ पर मैं इस वेबसाइट का एग्जाम्पल दिया था। अब देखिए 3 मंथ ओल्ड वेबसाइट में परफॉर्मेंस रिपोर्ट शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था, तो काफी यूजर वेट किए थे इस वीडियो का कि सर वीडियो बनाइए। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी कमेंट आए थे सर वीडियो बनाइए। तो मैं सोचा कि आपके साथ वीडियो शेयर करूं। और आपको एक चीज पता होगा कि वेब करो चैनल पे हमेशा प्रूफ के साथ वीडियो शेयर होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारे चैनल पर ओल्ड वीडियो देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेमेंट के ब्लॉगिंग पेमेंट प्रूफ शेयर होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आएँ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही प्रूफ के साथ आपके साथ वीडियो शेयर कर पाऊँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर वेटिंग सर वीडियो बनाइए काफ़ी कमेंट आए थे, तो मैं सोचा कि आपके साथ वीडियो शेयर किया जाए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर सकते हैं ऑल हिंदी में हेल्प सर्च करके, क्योंकि यहाँ पे भी मैं प्रूफ वगैरह शेयर करता रहता हूँ या फिर आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते रहते हैं। मेरे पास मैसेज ज़्यादा आते हैं तो थोड़ा सा लेट से रिप्लाई होगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा आपको और रिप्लाई ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं $100 बनाने में न्यू ब्लॉग वेबसाइट से कितना समय लगता है। क्योंकि जब हम बिगिनर होते हैं, ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास एक क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, सर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दें, ब्लॉग वेबसाइट बना दें, बनाने के बाद हमें पेमेंट कब से आना स्टार्ट होता है। देखिए मेरे पास एक गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन है और सबसे पहले यहाँ पर रिपोर्ट में जाते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एडसेंस जो अर्निंग हो रहा है ये कब से हो रहा है, कितना दिन पुराना है और कौन सी वेबसाइट है और टोटल अभी तक कितने पोस्ट लिखे गए। ओके, तो यहाँ पर मैं गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन किया हूँ और यहाँ पर अभी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में है और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले मैं कस्टम में जाता हूँ, ऑल टाइम कर देते हैं। यहाँ पर 3 ईयर का डाटा ही मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये 3 ईयर का नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो ये एडसेंस अकाउंट पर अर्निंग कब से चालू हो रहा है। आप देख सकते हो लगभग जून जुलाई अगस्त, यानी कि 3 मंथ का डाटा शेयर कर रहा हूँ। अभी देखिए इससे पहले 00 था, ये एडसेंस अकाउंट किसी और वेबसाइट पे था और रिमूव हो, मतलब इस पर एडसेंस अकाउंट जो अभी डोमेन चल रहे हैं वो दूसरा है, अभी मैं डोमेन शेयर करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी इस जो अर्निंग हुए हैं टोटल, अभी आप देख सकते हो $135 ऑल टाइम और जो पेज व्यू आए हैं यहाँ पर आप देख सकते हो 101,376 पेज, यहाँ पर पेज व्यू आए, टोटल इम्प्रेशन आप देख सकते हो 485,226। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जो डेली अर्निंग, आप देख सकते हो पेज व्यू $1.66, लगभग 1236 पेज व्यू आए थे, उसके बाद से 300, 400, यहाँ पर देखिए कभी 13, तो कैसे ग्रो हुए हैं, फिर यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ता गया है। अभी 3 मंथ का डाटा शेयर कर रहा हूँ, देखिए 800, 700 पेज व्यू, 1200 पेज व्यू। और अगर आपको लगता होगा कि ये ट्रैफिक शेयर करके आए, आप देखिए यहाँ पर जब हम लास्ट यहाँ पर देखिए $4, $4, $4, 2000-3000 पेज व्यू में, तो इसका CPC काफ़ी अच्छा मिलता है। और कौन सा ब्लॉग है मैं ये भी शेयर करूँगा। अभी देखिए ये यहाँ पर अगस्त का है, सैटरडे अगस्त 28, 2021, आप देख सकते हो 28 अगस्त को है 2021, $2 बने हैं और यहाँ पे पेज व्यू आए हैं लगभग 1000 पेज भी होने वाले हैं, $2 बन चुके हैं और इसका CPC मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, अभी मैं आपको शेयर करूंगा। तो आपको लग गया थ्री मंथ लगे, आप देखिए यहाँ पे जून जुलाई और अगस्त, ये 3 मंथ में आप देख सकते हो $100 बन चुके हैं। तो वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप सर्चेबल टॉपिक पर काम करते हैं तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी, तभी अर्निंग होगा। नहीं पता होगा तो आप मेरे ऑल हिंदी में हेल्प चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अभी जो ये आप एनालिटिक देखिए वेबसाइट का, यही वेबसाइट है। ठीक है, ये जो hindisafar.in, अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अभी मैं आपको इसका वेबसाइट भी दिखा देता हूं ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए कि हाँ भाई आपने जो एडसेंस में दिखाया था वही साइट है, ना कि कोई दूसरा है। देखिए यहां पर hindisafar.net, ठीक है, ओके,
अब नीचे भी जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो ये ट्रैफिक है। तो मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ये सीपीसी वाला। तो अभी सीपीसी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, एस्टरडे की बात करूँ तो अभी आप देख सकते हो सीटीआर भी काफ़ी मेंटेन है क्योंकि एड सेटअप हम किए हैं, वेबसाइट हमारे पास है, मैनेज है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो ये ट्रैफिक, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे शेयर मार्केट से भी दो यूज़र आ रहे हैं राइट नाउ, यूज़र आप देख सकते हो 7 दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल नए ब्लॉग के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर ऑर्गेनिक सर्च से आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है ऑर्गेनिक सर्च, उसके बाद से डायरेक्ट जिनको वेबसाइट पता है वो डायरेक्ट सर्च कर रहे हैं। और यहाँ पर ये डेली ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप देख सकते हो लगभग 1000 से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक सर्च से आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि ऑर्गेनिक सर्च से ही आ रहे हैं ट्रैफिक, और इसी वेबसाइट का मैं ये रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पर पोस्ट लिखे जाते हैं। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा लास्ट 28 डे का डाटा जिसमें देख सकते हो 27 के यूजर आए हैं और ये कैसे आप देख सकते हो अप एंड डाउन हुआ है। तो ये सारा ऑर्गेनिक है। अभी मैं आपको गूगल सर्च कंसोल का दिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल का और जो इनका पोस्ट है आप देख सकते हो शेयर मार्केटिंग प्लस। मैं आपको इस वीडियो में बताया था कि मूवी से रिलेटेड भी कंटेंट लिखे गए, आप इस शॉर्ट वीडियो को देखिएगा तो सिर्फ आप देख सकते हो मूवी रिव्यू, मतलब कि टीवी शो या फिर जो इलीगल वेबसाइटें होती हैं मूवी शेयर करती हैं बॉलीवुड वगैरह उनके बारे में कि ये इलीगल चीज़ें हैं, इस तरह के कंटेंट लिखे गए हैं। ट्रैफिक यहाँ से बूस्ट हुआ है और फिर ये अर्निंग इनका हुआ है जो कि अभी 3 मंथ में ये पेमेंट लेने वाले हैं। इस मंथ का यहाँ पर ऐड हो जाएगा 1 तारीख को, फिर यहाँ पर सितंबर में इनका पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे $72 बैलेंस में 3 मंथ का ये अर्निंग है सारा, आप देख सकते हो। ट्रैफिक भी मैं आपको दिखा दिया हूँ गूगल से, सब सर्च से आ रहे हैं। तो ये आप बिल्कुल मत सोचना कि अगर आपके पास फैन फॉलोअर नहीं है या फिर अगर आप कहीं शेयर नहीं करेंगे तो ट्रैफिक नहीं आएगा। अगर आप सर्चेबल टॉपिक पे काम करते हैं, जो सर्चेबल कीवर्ड होते हैं, तो ट्रैफिक आपको गूगल से मिलने वाले हैं। और लाइक मैं आपको प्रूफ दिखा दिया, अभी मैं आपको गूगल एनालिटिक भी दिखाऊंगा। बट उससे पहले आपका एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, इस वेबसाइट पर कितने पोस्ट लिखे गए हैं सर, जो अर्निंग दिखाते हैं वेबसाइट पर 97 पोस्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पर 97 पोस्ट है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, पोस्ट कितना कब से लिखना स्टार्ट हुआ है ताकि एक बेस्ट आइडिया आपको मिले। ओके, अगर आप देखेंगे तो इनका पोस्ट मेरी वेबसाइट पर करीब 4 से 5 मुझे ये पोस्ट शेयर किए हैं फ्री में और गेस्ट पोस्ट के लिए शेयर किए हैं। तो मैं लास्ट पेज पे जाता हूँ 5 वाले पे और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पोस्ट लिखा गया है, जनवरी से पोस्ट लिख रहे हैं लेकिन इनका ग्रो नहीं हुआ है, अभी लास्ट 3 मंथ में ही ग्रो हुआ है। और काफ़ी मतलब 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, आप सोचिए यहाँ पर 1 साल से मेहनत हो रहा है, ग्रो नहीं हुआ है लेकिन अभी मतलब कुछ ऐसे पोस्ट लिखे ग्रो हुआ है। देखिए ब्लॉगिंग के बारे में लिखे हैं, एक्चुअली क्या है ना ये एडसेंस अप्रूवल कराने के लिए इस तरह के कंटेंट लिखे हैं। अब मैं यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल दिखाऊंगा, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल डाटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, यहाँ पर स्टार्ट नाउ, तो आपको ट्रैफिक का बेस्ट आइडिया मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हो ये ट्रैफिक जैसे कि जून से अर्निंग स्टार्ट हुआ, तो देखिए जून से ये जुलाई जून से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बूस्ट हो रहा है, जून से ही बूस्ट हुआ है। अब देखिए जून से 1 जून से जुलाई उसके बाद से अगस्त में एकदम बढ़ गया, आप देख सकते हो डेली का क्लिक, ठीक है। तो मैं आपको बताया था ना 3 मंथ ओल्ड वेबसाइट है यहाँ पर, मतलब कि 3 उससे पहले काम नहीं किया गया, इस वेबसाइट पर काम नहीं हो रहा था, उससे उसके बाद मैं इस वेबसाइट को लिया, कस्टमाइज किया और बताया कंटेंट कैसे लिखना है, किस तरह से आप ट्रैफिक ला सकते हो। तो इनका वेबसाइट ग्रो हुआ है और आप देख सकते हो ये सारा आपके सामने है। परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लिक भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए लास्ट 3 मंथ का, अगर आप लास्ट 28 डे का भी डाटा शेयर करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हो 32,000 क्लिक आए, 1.79 मिलियन इम्प्रेशन आए। और यहाँ पर लास्ट 3 मंथ क्योंकि अभी ट्रैफिक इसी मंथ में बढ़े हैं, अगस्त में बढ़े हैं, और देख सकते हो ये सारा आपके साथ डाटा शेयर कर। और ट्रैफिक किस पर आए हैं यहाँ पर देख सकते हो, फिल्मी वेब और शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड, यही इनका कीवर्ड है। तो फिल्मी वेब आपको पता है कि फिल्म शेयर करता है, तो मूवी से रिलेटेड इस पर कंटेंट लिखे गए हैं ट्रैफिक लाने के लिए, थोड़ा सा सर्च में लाने के लिए वेबसाइट को। और फिर शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड पीडीएफ वगैरह, तो इस तरह के कंटेंट लिख करके ट्रैफिक आया है और इसमें $100 से भी ज़्यादा बन गए हैं। तो इस तरह से आप $100 बना सकते हैं अगर आप सर्चेबल टॉपिक पे काम करते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि $100 बनाने में अगर आप अच्छे से वर्क करेंगे तो इस वेबसाइट पर 3 मंथ में बने हैं काम करना स्टार्ट। अगर आप टॉपिक सर्च कर लिए लो कंपटीशन वाले कीवर्ड पे काम करते हैं तो आप 1 महीने में भी $100 बना सकते हैं।
और ये सारा ऑर्गेनिक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दिया हूँ, यहाँ पर भी दिखा दिया हूँ, एडसेंस में भी दिखा दिया हूँ, गूगल सर्च से ही आ रहे हैं, आप देख सकते हो 3 मंथ में ये वेबसाइट ग्रो हुआ है मूवीज रिलेटेड कंटेंट लिख करके, यहाँ पर आपको देख सकते हो जून से मैं आपको दिखाया हूँ, क्योंकि उससे पहले अगर आप देखेंगे ना 6 मंथ का, तो देखिए यहाँ पर कोई आप देख सकते हो ये कोई काम नहीं कर रहा था वेबसाइट कंटेंट, और जैसे ही मूवी से रिलेटेड कंटेंट लिखा गया शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड, तो ये देखिए लो कंपटीशन, अगर शेयर मार्केटिंग लिखेंगे पीडीएफ तो इनका ही वेबसाइट आता है टॉप पे ही रैंक करता है कीवर्ड, ठीक है। तो ये अभी वेबसाइट मैं मैनेज कर रहा हूँ और आप देख सकते हो ये पूरा मेरे पास है अभी, और अभी जो अभी मेरा ट्रेंड चल रहा है, मेरा काम चल रहा है वो शॉर्ट वीडियो अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ कैसे अभी अर्निंग करना अफिलिएट मार्केटिंग से, शॉर्ट वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ, और मेरा एक चैनल है अभी स्टार्टिंग हुआ है, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो, या फिर मैं वीडियो बना दूंगा। अभी करीब 1500 सब्सक्राइबर आ गए हैं, बिल्कुल अभी शेयर कहीं भी शेयर नहीं किए, केवल शॉर्ट वीडियो से, और अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना है उस पर, इसलिए मैं वो काम कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।